YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है, भारत की इस पर कैसे नजरें हैं और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को टूल्स के इस्तेमाल करते हुए किस अंदाज से बलोचिस्तान के अंदर दरअंदाजी की जा रही है, चाइना यानी बीजिंग को पाकिस्तान से कैसे खफा करना है, तमाम तर कार्रवाई भारत कर रहा है और गुज़िश्ता 5-6 हफ्ते से इसकी एक्टिविटी में मजीद इजाफा हुआ है। जैद हामिद साहब यह फरमाइएगा कि सीपैक एक्चुअली है क्या, ये वाकई कोई मुआशी प्रोजेक्ट है या जोग्राफियाई लिहाज के किसी खास खित्ते के ऊपर बालादस्ती कायम करने का एक तरीका है? देखिए, सीपैक की जहां तक ताल्लुक है, दुनिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक कानून है, यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको वो नहीं मिलता जो आपका हक है, आपको वो मिलता है जो आप निगोशिएट करते हो। आप जो निगोशिएट करेंगे वो आपको मिलेगा सीपैक। चाइना सीपैक तो सिर्फ एक छोटी सी शाख है उस बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जो चाइना पूरी दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है, ओबोर के नाम से, वन बेल्ट वन रोड के नाम से, या इसके जो ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसका, जो पूरी दुनिया में सड़कों का और पुलों का और ट्रेन के नेटवर्क का जाल बिछा रहा है चीन अपनी तिजारत को, जो इसका $3.2 trillion साल की एक्सपोर्ट है उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों खासतौर पर अमेरिका से जो मार्शी तौर पर वो एक जंग कर रहा है उसका एक हिस्सा है सीपैक। अब पाकिस्तान अगर इसमें निगोशिएट ठीक नहीं करेगा चाइना से, अगर हम गुलामाना एक मजलूमाना और दबके निगोशिएट करेंगे और शरायत सारी चीन की होंगी तो सही बात है कि पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक गुलाम बन जाएगा। अगर क्योंकि जमीन हमारी इस्तेमाल हो रही है और चाइना को जरूरत है हमारी, क्योंकि जो चाइना के पास एक्सपोर्ट है समुद्र के रास्ते वो सारी की सारी अमेरिका ब्लॉक कर सकता है किसी भी वक्त जी। तो जो पहला रास्ता जमीनी रास्ता चीन को मिलता है $3.2 trillion से की तकरीबन एक्सपोर्ट से वो 30% यानी $1 trillion एक्सपोर्ट वो सीपैक के रास्ते करना चाहते हैं कि गवादर से एक्सपोर्ट करें मिडल ईस्ट की मार्केट्स में जहां से अमेरिका इसको नहीं रोक सकता। अब अगर हम सिर्फ अपनी पूरे पाकिस्तान को सिर्फ कर्ज 11-12-20 अरब डॉलर के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा, ये कोर कमांडर के अल्फाज। तो हमने अगर चाइना से इस तरह निगोशिएट किया कि जी तुम हमारी जमीन इस्तेमाल करोगे लेकिन टेक्नोलॉजी तुम हमें दोगे, हमारी जमीन होगी तुम हमें टैरिफ पे करोगे, तुम्हारी फौज यहां नहीं होगी, हम मैनेज करेंगे सारी सिक्योरिटी और सारे इलाके को। लेकिन हामिद साहब ये तो रिव्यू करने से होता है ना, आप जिस तरह महातीर मोहम्मद ने बीजिंग में जाकर अपने अंदर यानी मलेशिया के अंदर जिस तरह से चाइना के प्रोजेक्ट्स थे उनको रिव्यू करने के लिए बाकायदा कहा था कि ये टर्म देखी जाए कि कितना फेयर होगा, तो पाकिस्तान भी रिव्यू कर सकता है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हम रिव्यू नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो इंडिपेंडेंट सीपैक अथॉरिटी नहीं बनाई, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक सीपैक अथॉरिटी की जरूरत थी, और दूसरी बात कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन सीक्रेट है, किसी को नहीं मालूम कि किन शराइत पर कितने चाइनीज पाकिस्तान में आकर कहां सेटल किए जाएंगे। अब ये एक तो अमेरिका है, ये फैक्ट है कि अमेरिका रोकना चाह रहा है सीपैक को, लेकिन दूसरी जाने सिर्फ इसलिए कि अमेरिका सीपैक को रोकना चाह रहा है या इंडिया सीपैक को रोकना चाह रहा है उसकी वजह से हम जबरदस्ती सीपैक की वो शराइत कबूल नहीं कर सकते जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे आने वाली नस्लों में। राइट, बिल्कुल ठीक है, जाहिर साहब साथ रहिएगा। इमरान साहब, हम वो कड़ी शराइत नहीं मान सकते, वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ आ रहा है उसके ऊपर भी भारत की ऐसी नजरें हैं और अमेरिका की बिलवास्ता तौर पर ऐसी नजरें हैं, तो हमें एटलीस्ट इसको रिटेन तो करना है। इमरान साहब, भारत पाकिस्तान का फायदा नहीं देख सकता और अमेरिका चीन का फायदा नहीं देख सकता। यस, दैट्स व्हाट आई मीन। भारत का प्रॉब्लम जो है वो उनके दिमाग में है, अमेरिका का प्रॉब्लम जो है वो उनकी मईशत में है। वो ये सोचते हैं कि अगर चाइना यूं करके आगे बढ़ता है और दुनिया की मईशत पे कब्जा करता है तो अमेरिका कहीं पीछे चला जाएगा और फिर चाइना उसकी जगह लेगा दुनिया में आकर, फिर अमेरिका की हां में हां नहीं होगी दुनिया की, फिर चाइना की हां में हां होगी। तो इंडिया का मसला यह है कि इंडिया को लगता है कि ये पाकिस्तान एक दिन वापस आ जाएगा। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में जो ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये कुछ अरसे के लिए अलग हुआ और ये नहीं चल पाएगा और ये वापस आएगा, और उनके अंदर ये बात वो करते भी हैं, वो पाकिस्तान को आज भी तस्लीम ही नहीं करते दिल से। तो दोनों का मसला अलग अलग है, लेकिन हमारा मसला सीपैक को लेकर देखें, चाइना आपसे मांगता क्या है जी, जो चीजें वो आपसे मांग रहा है ये कोई भी नहीं दे सकता। अभी खान साहब ने पिछले दिनों अनाउंस किया और मुझे डर है कि कहीं ये हो ना जाए,
क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये दे रहे थे और खान साहब ने भी इसको एक डिफरेंट तरीके से अनाउंस किया, ये जरई जमीने जो है जो एग्रीकल्चर लैंड जो सीपैक के रोड के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है ये चाइना मांग रहा है जी, अगर ये जमीने आप उनको दे देंगे तो आपके जिम्मेदार कहां जाएंगे, वो आपके मुकाबले में यहां पे आके काश्तकारी करेंगे, आपके पास टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं है, आपने अपने जिम्मेदार को हमेशा जूते के नीचे रखा है और उसको इस काबिल ही नहीं होने दिया टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज में, ना उसके पास अच्छे बीज है, ना अच्छी खाद है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना अच्छी मशीनरी है, आपने उसको इस काबिल बनने ही नहीं दिया कि वो दुनिया के साथ मुकाबला कर सके। अब चाइना से बड़े बड़े लोग जदीद तरीन ज़राअत लेके यहाँ पे आएंगे तो आपका जिम्मेदार तो आप, लेकिन इमरान साहब हर मौके पर विन विन सिचुएशन तो नहीं होती है ना, एक प्रोजेक्ट है ये चीज के ऊपर अगर भारत कितने रुपए है ना, आपने चाइना को सड़क देनी है ना, रास्ता देना है, आप उनको रास्ता दीजिए और उनसे तय कीजिए ये रास्ता हम आपको इन शरायत पे दे रहे हैं, ये रास्ता आप लीजिए, आप इसको बिल्ड कीजिए, हमें इसके बदले ये चीज चाहिए जैसे ज़ायद अहमद साहब कह रहे थे। अब अगर हम अपनी ज़रई ज़मीनें उनको दे देंगे वो हमसे मांग क्या रहे हैं, हमारी ज़रई ज़मीनें मांग रहे हैं, वो हमसे मांग क्या रहे हैं, हमारे मादनी ज़खायर मांग रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो हमसे मांग क्या रहे हैं, वो सी पैक की और ग्वादर की सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि ये आप हमें दे, हमारी फोर्सेज आएंगी वो आगे यहाँ पे काम करेंगी, वो मांग क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने लोग लेकर आएंगे, उनको यहाँ पे नौकरियां देंगे, अपने लोगों को यहाँ पे खपाएंगे ताकि उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी यहाँ पे वो कवर कर लेंगे आगे। और वो बंदे कौन लेकर आते हैं पता आपको, अपनी जेलों से बंदे ला के यहाँ पे काम कराते हैं, क्रिमिनल टाइप के चाइनीज ने जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में जो रवैया कर रहे हैं ना, ये वही कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। याद रखें कि अभी थोड़े दिन पहले एक वार्डन ने रोका चाइनीज को और उसे पूछ रहा है कि सर अपना कोई पेपर जी वो कार्ड वार्ड दिखाया, वीडियो देखी थी, उसके अंदर अकड़ इतनी ज्यादा है वो किसी की बात नहीं सुनते। मेरे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे और चाइनीज बच्चे थे वहां पे, वो एक मिनट में मेरे बच्चों के गले पड़ गए और मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया अगर ये ज्यादा होते तो मारते हमें आज यहाँ पे। राइट, मामला ये है कि वो यहाँ पे उनको ये इस दिमाग के साथ वो आ रहे हैं कि ये हमारे जर खरीद गुलाम है पाकिस्तानी, हमने जाना है क्योंकि हमने इनको पैसे दिए हुए हैं, हम इन पे रूल करने का इख्तियार रखते हैं। जैद हामिद साहब, मामला चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हो या उस जैसा हो, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक रोड के हवाले से ही हो रही है, एक राहदारी देने के हवाले से ही हो रही है, तो एटलीस्ट इसका खैर मकदम तो करना चाहिए। अब जिस तरह के वाकयात बच्चियों की शादियों के और उनको चाइना ले जाकर उसके बाद उनको जिंसी तौर पर इस्तेमाल करने के सामने आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है, अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में चाइना जाके करता या उनका कोई अलाई करता तो इंडियन मीडिया इस तरह हाईलाइट कर रहा होता? हमें देखिए जमील, बात यह है जी कि एस्टिमेट यह है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर जी। 1 करोड़ चाइनीज, क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भी बड़ी नोट। आप कुत्ते खाएंगे, बिल्लियां खाएंगे, सुअर खाएंगे, फिर वो आपका जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरी का है ना जी। तो आपको यही बात के इलामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है। बात ये कि हम अपनी जान माल इज्जत आबरू अपनी अपने ऑनर अपनी गैरत अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके ग्वादर के जरिए। हमको अपनी शराइत अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें, हमको जैसे कहा कि सिंपल सीधा सीधा रूट दें कि आप अपने ट्रक लेके यहां से यहां चले जाए, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन, हमारी एजुकेशन, ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है क्योंकि शराइत खतरनाक है, जब खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, पब्लिक क्यों नहीं करते आप? और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेज के, आईएसआई के, कोस्ट गार्ड के, हाईवे अथॉरिटी के, कराची पोर्ट, पाकिस्तानी पोर्ट के सब इदारों के नुमाइंदे हों ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का या इस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है ये फिर शक पैदा करती है। राइट, और जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है। इमरान भाई, क्या रहा है फाइनल कमेंट? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हार रहे हैं खुदा ना खास्ता, हल क्या है इसका? क्विकली यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।